हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज संडे है ना, आज संडे है ना, तो आज संडे है और कुछ करने के लिए नहीं है, मतलब सब फ्री है, किसी का क्लास नहीं है और मेरा ड्यूटी भी नहीं है। तो आज हम लोग क्या करेगा, जस्ट सिंपल सा लंच प्रिपेयर करेगा और उसको वो लंच का प्रिपरेशन का थ्रू आप लोगों को दिखाएगा कि उसका प्रोसेस कैसा है। और जो एक वाला बहन है पसंग छोमो, उसका थोड़ा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है तो वो शायद आज का ब्लॉग में नहीं आ पाएगा इतना। तो हम लोग तीन डिसाइड, इसका भी एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम चलेगा तो ये इसको पढ़ना होगा, तो हम दोनों लंच प्रोसेस का आप लोग को वीडियो शूट कर दिखाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक लोकल डिश बनाने जा रहा है जो कि मकाई से, मकाई ना क्या था, कॉर्न से बनाने वाला है, जो एक थुप्पा होता है तो उसको बनाने वाला है। और एक्चुअली ये वीडियो को हम लोग बाहर शूट करने का प्लानिंग था, मतलब हम लोग कहीं बाहर जाकर शूट करने का सोचा था, बट यहाँ पे एक तो पसंग का हेल्थ ठीक नहीं है और दूसरा यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो गर्मी का कारण बाहर निकलना वो लेज़ी होता है ना। आई होप कि आप लोग समझता होगा कि गर्म में बाहर निकलना बहुत तकलीफ़ होता है, तो इसीलिए ये व्लॉग भी हम लोग घर के अंदर ही शूट कर रहा है। और क्या, और बोलो, प्रोसेस दिखाएगा बनाने का। ठीक है, तब तो बाद में आप लोग को प्रोसेस, जब हम लोग अभी हम लोग कुकिंग स्टार्ट करेगा तो उसमें दिखाएगा कि आप लोग को किस तरह से इसको बनाते हैं। टिल देन बने रहिए हम लोग के साथ। और फिर से किचन में आ गए हैं हम, और ये हमारा छोटा सा किचन है, थोड़ा दिखा दो, बहुत छोटा सा किचन है तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस जो जो सामान जरूरी है वही है। और तो पहला इंग्रेडिएंट है ये है, हम लोग इसको, ये कॉर्न है और इसको हम लोग फिनांग बोलता है अपना लैंग्वेज में, फिनांग। और इसको भिगो के रखना होता है पूरा एक रात पकाने से पहले, तो ये मैंने कल रात को ही कर दिया था। और सेकेंड इंग्रेडिएंट है ये, इसको हम लोग चांगनी भी बोलता है, तो इसको, इसका ये एक्चुअली राजमा जैसा होता है बट ये राजमा नहीं है। और इंग्लिश नेम इसका क्या है नहीं मालूम हमको, नन सेवन नहीं मालूम नहीं है, तो बाद में हम लोग डाल देगा। और उसके बाद थर्ड है ये मीट खत्म हो गया, खा के ख़त्म कर दिया, अभी सिर्फ हड्डी बचा है, तो इसमें बेसिकली हड्डी ही जाता है, तो ये है याक का हड्डी, तो ये हड्डी को डालकर, यहाँ हड्डी जो क्या है एक फ्लेवर देता है थोड़ा ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है हड्डी से उसका तेल निकल के। तो ये तीन जो है बेसिक इंग्रेडिएंट है ये थुप्पा पकाने का। और इसमें मूली भी डाल सकता है आप लोग, डालता है लेकिन अभी सीजन नहीं होने का कारण नहीं मिला है मार्केट में, तो विदाउट मूली ही पकाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। इसको क्या है एक्चुअली बहुत बड़ा बस्ती में तो क्या है कि घर में ऐसा पकाता है कि आग में पकाया हुआ खाना जो है अलग ही टेस्ट होता है, पर हमारे यहाँ में आग नहीं है तो हम लोग अपना गैस में पकाएगा कुकर में डाल के। तो ठीक है, अभी कुकर में डालते हैं। इसको परांठा हो जाएगा क्योंकि वो जो यहाँ में बिक जाएगा ना वाइट होना। इसमें क्या है कि हरा मिर्चा डाल के ऐड करना पड़ता है।
आलू जाएगा। तो मैं अभी जाती हूँ। बाप रे बाप, इतना मेरा गंदा है ये वाला। सिटी का वेट कर रहा था पर इसने मेरा ही सिटी बजा दिया। थुप्पा इज रेडी, जलाया है सोयाबीन, ये कच्चा प्याज और ये बीन्स थोड़ा सा। हाय करो, बोलो ना कुछ, क्या खा रहे आज? फिनांग खोंगबा। हम लोग फिनांग खोंगबा बोलते हैं इसको, फिनांग खोंगबा मतलब नहीं, फिनांग खोंगबा थुप्पा बोलता ना, तो फिनांग खोंगबा मीन्स मकई का। हम ले जाए, हाँ चलो चलो। लेकिन जितना नमक डालते ना उतना नमक हमको कम लगता है उससे। ये नमक अलग से जल्दी खत्म हो जाने से लो ना, वही नया पैकेट वाला खुल गया, कब से जोर से खत्म नहीं हुआ। हम अकेला दिखा रहे हैं क्या? ओ भाई ना पेस रहे हैं। ना ना चला गया, बैड लक।
तो यस गाइस, बस इतना ही था आज का व्लॉग में, और हम लोग दिखाया कि किस तरह से थुप्पा को प्रिपेयर किया है और उसको खाया है, और बीच में हम लोग का लाइट भी चला गया था, अभी लाइट वापस आ गया है तो ये वीडियो को एंड कर रहा है, और इसका हेल्थ भी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है, और वो वापस अभी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएगा अपना रूम में, और हम दोनों क्या करेगा, बर्तन धोएगा हम दोनों बर्तन धोएगा अभी, महारानी है। हाँ, ये दोनों महारानी है, छोटा लोग क्या होते कि ज्यादा काम नहीं करते, हम लोग बड़ा दोनों को ही काम करना पड़ता है, मजाक के, लेकिन हम लोग भी करते हैं ठीक है तब तो। ओ, ओ हाँ, और ना लोग कुछ बोलना है अभी नानी अपुम एक नहीं, 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 तो बस एंड करने के लिए। और ये क्या, आई नो कि बहुत सारा लोगों को शायद ये वीडियो इतना पसंद नहीं भी आया होगा, थोड़ा बोर भी हुआ होगा, क्या घर का अंदर में या फिर क्या पका रहे हैं, क्या अजीब सा चीज खा रहे हैं, ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन लेकिन क्या है कि हम लोग ने एंजॉय किया, और हम लोग ट्राई करेगा कि नेक्स्ट बार हम लोग बाहर में जाके वीडियो करने के लिए, और नेक्स्ट बार हम ट्राई करेगा कि इन तीनों जो क्या है थोड़ा सा लीड करो, थोड़ा सा बात करो, ये लोग एक्चुअली बहुत शाई नेचर का है तो ओपन अप नहीं हो पा रहा है, बट यही चैलेंज है हम लोग के लिए कि हम लोग किस तरह से अपना आपको ओपन अप करेगा। तो ओके, इतना ही है आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम लोग को सपोर्ट करना और कुछ सजेशन होने से कमेंट करके बताना, राइट? ओके देन, बाय बाय, वी लव यू, सरंगे, वी आर के-पॉप फैंस।